के बाद वाड़ी थाने के सेकंड पीआई प्रशांत जाधव ने जिला व सत्र न्यायालय से गिरफ्तारी पूर्वक जमानत हासिल कर ली है। याद हो कि कुछ ही दिन पहले 32 वर्षीय पीड़िता ने जाधव पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया था। कुछ दिन पहले नागपुर पुलिस को शर्मनाक करने वाला मामला सामने आया था। वाड़ी थाने के सेकंड पीआई प्रशांत जाधव पर एक 32 वर्षीय लड़की ने रेप का आरोप लगाया था। ये मामला सामने आते ही पूरी पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था। पीड़ित लड़की ने जाधव के खिलाफ वाड़ी थाने में शिकायत दर्ज कराने की भी कोशिश की, मगर वाड़ी पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक इन्होंने शिकायत तो दर्ज नहीं कराई। ऊपर से उसने पीड़ित महिला को पैसे लेकर मामला दबाने का ऑफर दे दिया। आखिरकार पीड़िता ने सीपी के सामने अपनी गुहार लगाई और सीपी ने जांच के आदेश दे दिए। जब ये मामला सामने आया तब से प्रशांत जाधव छुट्टी पर है। अब इस मामले में नई खबर सामने आ रही है। जांच के दौरान ही प्रशांत जाधव इसने जिला व सत्र न्यायालय से गिरफ्तारी पूर्व जमानत हासिल कर ली है। इस मामले में पुलिस अधिकारी होने के कारण विभाग द्वारा राहत प्रदान की जा रही है। आश्चर्य की बात यह है कि जाधव अब भी वाड़ी थाने में ही तैनात है। इसी थाने में पीड़िता ने दुष्कर्म की शिकायत दी है। मामले की जांच कैसे होगी इसका अनुमान लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज़।